Assalamualaikum दोस्तों एंड वेलकम टू आजकल स्पोर्ट्स। दोस्तों पाकिस्तान टूर ऑफ इंग्लैंड 2020, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस टाइम पर पूरी दुनिया में एक वबाई मर्ज फैला हुआ है, जिसकी वजह से कोई भी क्रिकेट का इवेंट, कोई भी क्रिकेट की सीरीज जो थी वो नहीं हो रही थी और तमाम टीम्स जो हैं वो दूसरे मुल्कों में जाकर खेलने से इनकार कर रही थी। लेकिन दोस्तों ऐसे में पाकिस्तान को इंग्लैंड की तरफ से एक ऑफर हुई कि अगर पाकिस्तान इंग्लैंड के साथ सीरीज खेलने इंग्लैंड आएगा तो पाकिस्तान टीम के तमाम अखराजात इंग्लैंड की टीम यानी कि इंग्लैंड की इंतजामिया उठाएगी और इंग्लैंड ही उनको रिहाइश देगा और उनको आने जाने के जितने भी अखराजात हैं वो इंग्लैंड ही उठाएगा। दोस्तों इसके बाद हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इस सीरीज का स्केड्यूल क्या होने वाला है और इस सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम की स्क्वाड क्या होगी। ये हम आपको इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप पाकिस्तान टीम के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या पाकिस्तान टीम को इंग्लैंड के टूर पर जाना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड 3 T20 और 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहले 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली जाएगी, जिसका पहला टेस्ट मैच 30 जुलाई को खेला जाएगा। दोस्तों पाकिस्तान और इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट मैच 7 अगस्त को खेला जाएगा और तीसरा टेस्ट मैच जो है वो 20 अगस्त को खेला जाएगा। और दोस्तों इन तमाम मैचेस यानी कि तीनों टेस्ट मैचेस का जो टाइमिंग है वो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक दोपहर 3 बजे होगा। दोस्तों इसके बाद पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज भी स्केड्यूल है, जिसका पहला T20 मैच 29 अगस्त 2020 को स्केड्यूल है और ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। दोस्तों पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा T20 मैच 31 अगस्त को होगा और ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे होगा। दोस्तों पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच 2 सितंबर को खेला जाएगा और ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे खेला जाएगा। दोस्तों इसके बाद हम बात करें कि पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ कितने प्लेयर्स लेकर जा रहा है और ये प्लेयर कौन कौन से होने वाले हैं, यानी कि पाकिस्तान की स्क्वाड क्या होगी इंग्लैंड टूर के लिए। तो दोस्तों पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ 25 रुकनी स्क्वाड लेके जाएगा, जिस स्क्वाड में नंबर 1 पर नाम आता है बाबर आजम का, जो पाकिस्तान टीम के T20 और ODI के कैप्टन हैं। दूसरे नंबर पर नाम आता है अजहर अली का, जो पाकिस्तानी टेस्ट टीम के कैप्टन हैं। तीसरे नंबर पर नाम आता है असद शफीक, चौथे नंबर पर शान मसूद, पांचवें नंबर पर मोहम्मद हफीज, छठे नंबर पर ऑलराउंडर शुएब मलिक, सातवें नंबर पर पाकिस्तान टीम के विकेटकीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान, आठवें नंबर पर पाकिस्तान के बैट्समैन आबिद अली, नौवें नंबर पर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, दसवें नंबर पर पाकिस्तान के पावर हिटर बैट्समैन आसिफ अली, ग्यारहवें नंबर पर फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन, बारहवें नंबर पर नाम आता है दोस्तों सरफराज अहमद का, क्योंकि पाकिस्तान टीम के हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मिसबाउल हक ने ये ऐलान किया था कि पाकिस्तान टूर ऑफ इंग्लैंड के लिए हम सरफराज अहमद को अपने स्क्वाड में शामिल करेंगे और सरफराज अहमद को अपने साथ जरूर लेके जाएंगे, ताकि वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो दूसरे प्लेयर्स के साथ शेयर कर सकें और जो कैप्टन है वो इनके एक्सपीरियंस से महरूम ना हो सके। नंबर 13 पर नाम आता है फास्ट बॉलर नसीम शाह का, नंबर 14 पर यासिर शाह, नंबर 15 उस्मान शिनवारी फास्ट बॉलर, नंबर 16 फास्ट बॉलर वहाब रियाज, नंबर 17 फास्ट बॉलर फहीम अशरफ, नंबर 18 फास्ट बॉलर जुनेद खान, नंबर 19 बैट्समैन अमर यामीन, नंबर 20 पर मोहम्मद मूसा, नंबर 21 पर शाहीन शाह अफरीदी, नंबर 22 पर पावर हिटर बैट्समैन इफ्तखार अहमद, नंबर 23 पर लेफ्ट हैंड बैट्समैन हारिस सुहेल, नंबर 24 पर नाम आता है ऑलराउंडर इमाद वसीम और आखिर में नंबर 25 पर नाम आता है शादाब खान का, जो स्पिन बॉलर हैं और एक ऑलराउंडर की हैसियत से भी जाने जाते हैं। तो दोस्तों ये थी पाकिस्तान की स्क्वाड जो इंग्लैंड के टूर पर होने वाली है, 3 टेस्ट मैचेस और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेली जाएगी।
दोस्तों इस सीरीज के हवाले से आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले हासिल करने के लिए सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल आजकल को और साथ में बने बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।